मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में यह जानकारी देंगे, अगर आपकी मिथुन लग्न है या मिथुन राशि है कि तो अप्रैल 2023 से लगा करके अप्रैल 2024 के बीच में आपकी आर्थिक स्थिति इन 12 महीनों में कैसी रहने वाली है। आप ये ध्यान रखिए कि आपकी जो आमदनी है वह डिपेंड करती है मंगल देव के घर पे, और आपका जो धन भाव है उसके मालिक हो जाते हैं चंद्रमा, गुरुदेव बृहस्पति, ये दो केंद्रों के मालिक होते हैं। इनकी उच्च राशि पड़ जाती है आपका धन भाव। ऐसे गुरुदेव बृहस्पति 22 अप्रैल को ये राशि परिवर्तन कर देंगे और आपके एकादश भाव में गोचर करने लगेंगे। एकादश भाव में जाएंगे, इसका मतलब ये रहा कि ये गुरुदेव बृहस्पति अपने उच्च स्थान से दशम में बैठ जाएंगे। जब दशम में बैठ जाएंगे वहाँ पर राहु ऑलरेडी पहले से विराजमान है, सप्तम भाव में केतु विराजमान है, तो आमदनी जो है ये कर्म के द्वारा जबरदस्त तरीके से आपकी बढ़ाने वाले हैं, यानी कि पैसा वर्ष पर्यंत गुरुदेव बृहस्पति आपको देते रहेंगे। पैसा आएगा कहाँ से, तो एक तो एक जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ होगा, इच्छा पूर्ति आपकी होगी, और साथ ही साथ पिता के भी मालिक हैं यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति, तो पिता के माध्यम से भारी मात्रा में आपके पास धन आएगा। ताऊ आपके यदि बड़े हैं तो उनके माध्यम से भी आपके पास उनके सहयोग से काफ़ी धन आने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। अब मान लिया जिनके पिता नहीं हैं तो उनको परेशान नहीं होना है, तो उनको अपने पिता के आशीर्वाद के वजह से विशेष रूप से आर्थिक लाभ होता रहेगा। मिथुन लग्न वालों के लिए और मिथुन राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बना हुआ है कि धन तो आपके पास आएगा ही, धन सभी राशियां कुछ ना कुछ कमाएंगी ही, लेकिन आपके लिए अच्छा योग इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि आपका जो भाग्य है, भाग्य पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत है। चार्ट में भी आप देख सकते हो कि भाग्य में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप जब व्यक्ति को भाग्य का साथ मिल जाता है तो चाहे आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी से पैसा आएगा, अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस से पैसा आएगा, अगर ट्रेडिंग वगैरह का काम कर रहे हो तो ट्रेडिंग से आपके पास पैसा आएगा, यानी कि शेयर सट्टे से पैसा आएगा। पैसा चारों तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। राहु भी साथ में बैठे हैं एकादश भाव में और ये 30 अक्टूबर तक यहाँ पर बैठे रहेंगे, और गुरुदेव बृहस्पति तो मान लिया एक साल का यहाँ पर परिवर्तन करके बैठे हुए हैं, तो पैसे के विषय में आप भूखे नहीं रहोगे, पैसा जबरदस्त तरीके से आपके पास आएगा। इसके अलावा नौकरी और व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि आपके व्यापार के भी मालिक गुरुदेव होते हैं, और ऐसे व्यापार के मालिक जब इच्छा पूर्ति के भाव में बैठ जाएं तो व्यापार जातक हो या जातिका हो उसका जबरदस्त तरीके से साथ देने लगता है। आपके कर्म क्षेत्र के भी मालिक गुरुदेव हैं, इसका मतलब ये रहा कोई भी काम करते हो पैसा तो आपके पास आना ही आना है और धुआंधार तरीके से आने वाला है, जितना आप इच्छा करोगे उसके अनुरूप पैसा आएगा। शनि की जो दृष्टियां हैं वो कहीं से भी आपके द्वितीय भाव से संबंध नहीं बना रही हैं, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हालांकि एकादश भाव पे इनकी दृष्टि है जो कि कुछ मामलों में गड़बड़ भी करेगी, जो आपके बड़े ताऊ हैं, बड़े चाचा हैं, उनका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं जरूर डामाडोल करेगी। छोटे भाई बंधुओं पे सातवीं दृष्टि है, जिसके फलस्वरूप आपको छोटे भाई बहनों से बहुत ज़्यादा सहयोग की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में भी हो सकता है आपको दिक्कत होते हुए दिखाई पड़े, लेकिन पैसे के लिए वर्ष आपका बहुत अच्छा रहेगा। आज मैं सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूँ। इस समय गुरुदेव का प्रभाव आपके सातवें स्थान पर भी रहेगा और पांचवें स्थान पर भी रहेगा। पांचवें स्थान से अकस्मात धन की प्राप्ति हम देखते हैं, जो बड़े बड़े लाभ होते हैं अचानक से उनकी प्राप्ति हम पांचवें स्थान से देखते हैं,
और जो डेली इनकम होती है वहाँ हम सातवें स्थान से देखते हैं। सातवें स्थान पर गुरु की स्वयं की दृष्टि है तो सातवां स्थान भी ये बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये रहा कि पैसे के लिए यदि हम देखें तो 22 अप्रैल के बाद से मिथुन लग्न वालों के लिए और मिथुन राशि वालों के लिए स्थिति काफ़ी अच्छी होते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर आपके पास लग्न कुंडली है तो लग्न कुंडली के अनुसार यदि आप देखेंगे तो आपको सटीकता अधिक मिलेगी, किंतु अगर आपके पास लग्न कुंडली नहीं है तो आप अपने चंद्र राशि के अनुसार भी यह फलादेश समझ सकते हो। तो भाग्य पैसा दोनों आपके साथ हैं, इसका आप सदुपयोग करिए। कुछ नया करना चाहते हो तो थोड़ा अभी इस समय धैर्य रखिए, 22 अप्रैल के बाद नए काम की शुरुआत कर सकते हो। और अगर कोई नया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टाइप का बिजनेस आप करना चाहते हो तो 22 के बाद वह भी आप शुरू करिए, थोड़ा अभी पेशेंस रखिए, 22 तारीख के बाद जो कुछ करना है करिए। आर्थिक हालात आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाली है, मनी प्रॉब्लम आपके पास कैसी भी हो वह सॉल्व होती रहेगी। 13 महीने आप महाभाग्यशाली रहोगे। कल मिलेंगे, मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, नमस्कार।